अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव्स इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट टू दैट एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखेंगे ये दो स्लिट्स हो गए, इनको हम लोग दो डिफरेंट सोर्स मान सकते हैं, ये स्क्रीन है ना। तो सपोज इस पॉइंट पर इनका इंटरफेरेंस होता है, तो यहाँ से एक वेव जाएगा, यहाँ से एक वेव जाएगा, है ना। तो सपोज यहाँ पर फेज डिफरेंस है फाई और पाथ डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है लैम्डा बाई एट। ये सेंट्रल फ्रिंज होता है, यहाँ पर फेज डिफरेंस जीरो होता है और पाथ डिफरेंस भी यहाँ पर जीरो होता है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होता है सेंट्रल फ्रिंज पर वो होता है मैक्सिमम, और यहाँ पर इंटेंसिटी सपोज आई है, तो आई और आई मैक्सिमम का जो रिलेशन होता है वो ये रिलेशन होता है, आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पर आई और आई मैक्सिमम का रेशियो पूछा गया है, मतलब उस पॉइंट पर इंटेंसिटी जहाँ पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई एट है और एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है, यहाँ का मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई टू। हमें पता है जो फेज डिफरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस से कुछ इस तरह से रिलेटेड होता है, के को लिख सकते हैं 2π/λ और डेल्टा एक्स जो है ये दिया गया है लैम्डा बाई एट, है ना। तो लैम्डा और लैम्डा कैंसिल, ये आएगा पाई बाई फोर। तो डेल्टा फाई का वैल्यू पाई बाई फोर रखेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई एट, क्योंकि डेल्टा फाई बाई टू है यहाँ पर। अब इसका वैल्यू आप निकालेंगे, है ना, तो ये आता है 0.853, है ना। तो देखेंगे कि ये जो ऑप्शन फोर है इसमें दिया गया है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर है।